Jazakallah khair. I'm not going to ask Jalal Harun. I'm now going to request Harun Sahib to say a few words in honor of the Hufaz-e Kiram. Nare-e Takbir, Nare-e Risalat. Salaam wa salaam alayhi wa sayyidi ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ya sayyidi ya Habibullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, दो मिनट लूंगा सिर्फ कारी साहब को मुबारकबाद पेश करने के लिए कि जो इन्होंने आज जगत इंस्टीट्यूट में यहाँ पे स्टेज दिया है। आज आपने देखा है कि पूरा स्टेज बच्चों ने संभाला है, किसी बड़े ने यहाँ पे आके किसी को दावत नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों ने। जेली डैन को देख ले किस तरह उसने स्टेज सेक्टरी यहाँ पे संभाला, ये सारी कोशिश तारिक महमूद साहब की है और मैं इस बच्चे को मुबारकबाद देता हूँ जिसने इतनी चैलेंज के साथ यहाँ पे काम किया है। तमाम बच्चों ने यहाँ पे आके और अपना प्रोग्राम शो किया और किरात की, ये छोटी सी बात नहीं है। किसी मस्जिद किसी इदारे ने आज तक मस्जिद ने यहाँ पे बच्चों को ला पे स्टेज नहीं दिया जहाँ को कारगर्दगी भी दिखा सके, ये सिर्फ और सिर्फ अल जदद इंस्टीट्यूट ने किया। इसके पीछे दो शख्सियात ऐसी हैं जो जिनका बहुत बड़ा हाथ है, एक तो फाउंडर कारी महमूद हसन साहब है, दूसरा इस स्टेज और इस इंस्टीट्यूट के पीछे डॉक्टर हाफिज डॉक्टर अदील साहब है और तीसरा मीडिया खालिद मलिक साहब ने भी बड़ा काम किया इसके अंदर। और हम इनकी कोशिश और इनकी मेहनत जो इन्होंने किया है इसे आप जनरल इंस्टीट्यूट के लिए, ये आप जनरल इंस्टीट्यूट के ये कहें कि आपके बच्चों को इन्हें स्टेज किया है। जो ये दैन जैसे लड़के आज बाजार में देखे कैसे घूम रहे होंगे, ये एक स्टेज पे खड़ा होके नाक भी पड़ी, लोगों को दावत भी दी, इतने बड़े उलमाए इकराम के सामने बच्चों की इतनी कहां कह सकते थे इतनी आवाज निकलती है वो किसी को दावत दे सके, ये सारे का सारा क्रेडिट कारी महमूद हसन साहब को जाता है, डॉक्टर अदील साहब को जाता है, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। और इसी तमाम जो अल जनत इंस्टीट्यूट की टीम है उन्होंने मेहनत की है। और खासकर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन मैं ये अपना कारी महमूद हसन साहब से ये कहूंगा कि हमने डॉक्टर हाफिज डॉक्टर अदील इकबाल साहब के लिए एक शुक्रिया का जनत इंस्टीट्यूट की तरफ से जो उन्होंने मेहनत की और बाजू बने कारी महमूद हसन साहब के, उसके लिए हम इनके लिए एक स्पेशल चीज लेके है जो कारी महमूद हसन साहब इनको गिफ्ट करेंगे। ये देखिए ये आप लोगों के लिए एक नमूना है कि आपके बच्चे स्टेज पे आगे क्या कर सकते हैं। ये अल जनत इंस्टीट्यूट की तरफ से हाफिज डॉक्टर अदील इकबाल साहब के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। Thank you so much for this great unexpected honor, mashallah. I'm deeply, deeply appreciative. Just to conclude now, I'm going to request my honorable father just to say just a couple of words, if you'd be so kind. You've furnished me with advice throughout my life, which I'll remember to my last breath, inshallah. Alhamdulillah, I have the honor to complete my hifz in Madinatul Munawwara at your hands. And if I spent my entire life in sajda-i shukr that you are my father and my mum is my mum, Yasmeen Iqbal Sahiba, it would not be enough. And I'm grateful for everything you have done for me. I'd be very obliged if you could say a few words. Bismillah. Nare takbir, nare risala. अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि अल्लाह पाक ने कारी महमूद हसन साहब के तेरे सरपरस्ती इन तमाम बच्चों के साथ साथ
मेरे अजीम जनूब बेटे डॉक्टर अदील साहब को भी पढ़ाया, जिनके हम इनके लिए नायक ही मशहूर ममनू हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको दराज उम्र ताकत आए और तमाम बच्चों को इसी तरह जिस तरह मेहनत कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ाएँ। अल्लाह पाक इनको जलाए खैर थे। आमीन।